बीते 4 मई को रांची पुलिस ने JBKSS के नेता देवेंद्र नाथ महतो को नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया था और वहां से कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद देवेंद्र नाथ महतो फिलहाल जो है जेल में है। आज उसी मामले में उन्हें बेल मिल गई है। हमारे साथ उनके अधिवक्ता षष्ठी रंजन महतो है, उनसे बात करेंगे उनको बेल किस मामले में मिली है और क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो रांची से प्रत्याशी भी है, कितनी राहत है और आगे क्या होगा। ये जो आप बोले कि 4 तारीख को जो हम लोग को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी उसमें जो हम लोग को नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो चुकी थी, हमने उस दिन भी बोले थे कि हम लोग मंडे को बेल फाइल करेंगे। उसके बाद डेट निर्धारित हुआ था आज के दिन में। आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री सार्थक शर्मा के वहाँ से हम लोग को जमानत मिल चुकी है। मामला क्या था इनका? वही मामला यही था कि भीड़ जमा कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, पुलिसकर्मियों को धक्का मुक्की करना, आपदा उल्लंघन के तहत ये मुकदमा हुआ था। और बस वही था कि ये लोग जो था, आपको उस दिन भी बताया था कि ये लोग जो JPSS में जो मतलब रिजल्ट में जो गड़बड़ी किया था उसी को लेके इन लोग मुरादाबादी मैदान में विरोध किया था, जिसमें से हमारे माननीय विधायक नवीन जायसवाल और सारे बहुत सारे नेतागण भी थे, उन लोग को भी जमानत इसमें मिल चुकी है। और उस समय हम लोग छात्र नेता के रूप में थे, हम लोग कोई अहिंसक घटना नहीं इसमें किए थे। और इसी के तहत मुख्य न्यायिक हम लोग का न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष ही ये जमानत आज मिल चुकी है। कंडीशन क्या रखा गया? कंडीशन यही रखा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोऑपरेट करना, जब बुलाएगा तब हम लोग उसके समक्ष उपस्थित रहेंगे। अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे देवेंद्र? अभी नहीं आएंगे, इसके पास और कुछ मुकदमा है, अभी न्यायालय में लंबित है और जो भी जानकारी होगा आगे आपके समक्ष रखा जाएगा। कौन सा और मामला है? ये भी आपका जगन्नाथपुर है, चुटिया कांड संख्या है, सभी मामलों में जमानत लेनी होगी। हाँ, जितने भी केस है जमानत तो लेना ही होगा और जमानत के तहत ही निकलेगा अभी कस्टडी में। तो क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद हम लोग कोशिश में हैं, वकील तो कोशिश में ही रहता है कि जल्दी से जल्दी निकालने का, लेकिन जब कोई न्यायालय में विचाराधीन रहता है तो जब ये तो न्यायालय के कस्टडी में है, वो भी अपना तहकीकात विचारात रखते हुए इसमें निर्णय करेंगे। कल भी एक मामले में सुनवाई हुई, उसमें क्या हुआ? कल सुनवाई नहीं हुई थी, कल उसको इस केस में रिमांड लिया गया था। इसमें रिमांड लेने का मतलब है कि पुलिस कभी इसके अगेंस्ट में कोई केस करके खाली छोड़ दिया गया था। अभी जब इस केस में हमको जेल भेजा गया तो पुलिस हमको इस केस में रिमांड ली। कितने दिनों का? ये तो कोई भी केस रिमांड लिया जाते 14 डेज का रिमांड लिया जाता है, 14 दिन का ही रिमांड लिया जाता है। तो इस दौरान जेल में ही रहेंगे या फिर पुलिस रिमांड में? नहीं नहीं, जेल में ही रहेंगे। पुलिस रिमांड का मतलब एक चीज़ होता है कि जैसे हमसे पूछताछ नहीं करेगी, जैसे ED लोग जो रिमांड लेता है पूछताछ के दौरान उन लोग अपने पास ले जाता है। न्यायिक हिरासत की अवधि कह सकते हैं? ये जो आप बोल रहे हैं न्यायिक अवधि का हिरासत जो कस्टडी डेट रहता है, ये 14 दिन का न्यायिक वहाँ हटवार भेज दिया जाता है। वही प्रोसीजर है। रिमांड जो होता है ना, जैसे आके पूछताछ करना, जैसे बहुत सारे जैसे ED लोग आज हमको 5 दिन के पूछने दिया जाए, इस तरह को रिमांड बोला जाता है कि हमको कस्टडी मेरे जैसे सिपाही के। जो मामले हैं जिसमें जो धाराएं लगी है, क्या लगता है धाराओं के अंतर्गत बेल जल्दी मिल सकता है या फिर देर लगेगी? धाराएं सब लगभग एक ही जैसा धारा है, सरकारी काम में बाधा 353 है और जितने भी और सेक्शन लगते हैं सभी सेक्शन जमान अवेलेबल नेचर के हैं और किसी में कोई हिंसक घटना नहीं हुई है, उपद्रव ही नहीं हुई है। अवेलेबल ऑफेंस 353 अवेलेबल नहीं है, 353 अवेलेबल नहीं है, इसीलिए तो हम आज अंदर में हैं। अब रेस्ट ऑल सेक्शन आर अवेलेबल, तो इसमें हम लोग अभी न्यायालय के अधीन में हैं तो आपको भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्रयास रहेंगे कि बेल फाइल करके इसको निकालेंगे। तो एक राहत मिली है? हाँ, एक जिसमें हमको कस्टडी लिया गया, जो हम लोग टॉप मार रहे थे उसमें आज उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही हमको ये जमानत मिल चुकी है। तो चुनाव प्रचार में शामिल होंगे लगता है? ये तो जब निकलेगा तो चुनाव प्रचार करेंगे, अभी नहीं निकलेगा तो ये तो कोई भी बात को हम उपधारणा में नहीं कह सकते। निकलेगा तो करेगा, नहीं निकलेगा तो उसके इतने समर्थक लोग हैं, उन लोग हर लोग देवेंद्र महतो के नाम से ही जाना जाता है। जिस तरह का इसका व्यक्तित्व तो अभी छाप छोड़ा है ना, प्रिज्यूम के सज जाते थे और जो मैंने व्यक्ति लोग है देवेंद्र महतो के रूप में कार्यरेखा करके अपने सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से ही प्रचार प्रसार कर रहा है लोग। ऐसा नहीं कि देवेंद्र महतो जेल में है तो उसका काम रुक गया,
जहाँ तक जिस तरह का हम यहाँ देख रहे हैं बिंग एडवोकेट, उसका काम सुव्यवस्थित ढंग से हो रहा है कोई, और यहाँ से भी हम भी दिशा निर्देश दिए कोई हिंसक घटना नहीं करेगा। ये तो न्यायालय का मामला है, और न्यायालय है तभी ना आज देवेंद्र बाबू को आज जमानत मिल चुकी है। यदि इस तरह का मामला नहीं होता, यदि न्यायालय नहीं रहती तो इसको तो जमानत ही नहीं मिलती। एक बार इलेक्शन के बाद जब मन होता तब होता, तो न्यायालय भी ये FIR को अध्ययन करती है, उसके बाद मामला को तहकीकात करती है कि किस तरह का मामला है। उस हिसाब से हम लोग भी आर्गूमेंट करते हैं कि भाई हम लोग भी कोऑपरेट करेंगे, हम लोग का उस आशय के नहीं थे। इसको किस तरह से लिटिगेशन करके हमको फंसाया गया, 2021 का मामला 2024 तक किस तरह का मामला पेंडिंग है, और जहाँ 353 लगेगा, हम उस दिन भी बोले थे पुलिस पर हिंसक घटनाएं करना, पुलिस को तो ये सब अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी समय मामला लंबित रहते हुए आज ये लोकतंत्र का महापर्व के दिन, लोकतंत्र के महापर्व के दिन न्यायालय के मंदिर से, एक तरह से कहा जाए मंदिर के समक्ष से गिरफ्तार करना, ये उचित नहीं था। ये मेरा विचार था। आप लोग देखे भी होंगे, थोड़ा सा हम विस्तार से कर ही देते हैं। हम लोग सावन का महीना में महीना भर पानी चढ़ाते हैं, उसमें नहीं देखा जाता कि कौन अपराधी है, कौन इनोसेंट है, हर के उसके विधि व्यवस्था दुरुस्त रहेगा। इफ्तार पार्टी जो मक्का मदीना है उसके लिए प्लेन का व्यवस्था रहेगा, कोई भी मंदिर जाने के लिए ट्रेन बुक रहेगा। ये कह सकते हैं एक मामले में राहत मिली और के लिए, हाँ राहत मिली। इसीलिए ये लोकतंत्र का क्या बोलें इसमें, अभी हम लोग न्यायालय के अधीन में हैं, इसीलिए कुछ विस्तार से नहीं करेंगे। जब जब जैसे जैसे जमानत मिलती जाएगी आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना दी जाएगी। चलिए, तो देवेंद्रनाथ महतो को एक मामले में राहत मिली है, जिस मामले में देवेंद्रनाथ महतो को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और उसी मामले में फिलहाल देवेंद्रनाथ महतो रांची के होटवार जेल में बंद है। लेकिन और भी बहुत सारे मामले हैं जिनके मामलों का जो है रांची के कोर्ट में सुनवाई होनी है, ऐसे में देवेंद्रनाथ महतो को उन मामलों में भी राहत का इंतजार करना होगा। अगर उन मामलों में राहत मिलती है तो देवेंद्रनाथ महतो जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार।